This conference will now be recorded. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Ji kya haal hai aap sab ka theek hai? Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehmane wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24ve batch ke jo ki ek exclusive batch hai iske lecture number 28 mein खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया बड़े बेहतर तरीके से समझ आ। तो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो लास्ट दो लेक्चर्स होंगे और किसी ने भी ऑफ करना, उसकी वजह ये है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकोगे, अपनी अपनी साइट्स दिखा सकोगे इन लेक्चर्स में। प्लस जो है आपको मजीद आइडियाज मिलते हैं, जब आप लाइव लेक्चर दे रहे होते हो तो आपके जहन में क्वेश्चनिंग आ रही होती है, वो आप कर सकते हो सेशन के स्टार्ट में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं स्टार्ट इस चीज से करूंगा कि आप लोगों के जहन में कोई सवाल है अभी तक जो आपने सीखा तो आप लोग चैट में टाइप करके पूछ सकते हो ताकि आप लोगों के इश्यूज साथ साथ सॉल्व होते जाएं। जी हाँ जी, ये जो अच्छा Amazon की कंटेंट लेंथ जो है वो जो आपका अगर आप होम पेज पे आर्टिकल यानी के प्रोडक्ट का रिव्यू पब्लिश करके बाकी जो प्रोडक्ट की डिटेल है उनको आप साथ में पब्लिश करना चाहते हो तो आपका जो होम पेज होगा उस पे 2,000-3,000-5,000 वर्ड का आपका डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू हो, फॉर एग्जांपल टॉप 5 प्रोडक्ट्स या टॉप 10 रिव्यूज, टॉप 10 प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, ठीक है। जी तो जो आपका होम पेज पे कंटेंट होता है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू देने हैं तो वो आप टॉप 5, टॉप 7 या टॉप 10 प्रोडक्ट्स और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल होती है, उसके बाद आप उसको अपने होम पेज पे पब्लिश करते हो, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और जो आपके कोई भी प्रोडक्ट है उसका रिव्यू आप पब्लिश कर रहे हो, 700 या 1000, 700 से 1000 वर्ड्स का मिनिमम
रिव्यू हो और प्रोडक्ट के जो है प्रोज एंड कॉन्स वो प्रॉपर बताए गए हों, प्रोडक्ट की एक से दो इमेजेस हों, ठीक है, और बाय बाय फ्रॉम अमेजोन का जो बटन है वो जरूर होना चाहिए ताकि यूजर क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय कर सके। उसको ऑप्शन देंगे तो वो बाय करेगा ना, जब तक ऑप्शन ही नहीं देंगे तो वो कैसे बाय करेगा। तो ये चीजें अमेजोन की जब आप साइट स्टार्ट करते हो तो उसके लिए ये चीजें साथ आपने देखनी है। अच्छा, उसके अलावा जो फ्लिपा पे जस्ट सोल्ड साइट्स थी अमेजोन की, वो मैंने बताई थी, वो एज एन एग्जाम्पल आप लोगों ने जरूर देखनी है। हाँ जी, ताकि आपको वहां से सीखने को मिले बेसिकली। और हाँ जी, एक और स्टूडेंट ने पूछा था कि पीबीएन के बारे में। हाँ जी, अगर आप में से 5 स्टूडेंट्स भी गेस्ट पोस्टिंग का सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ। हर बंदा अपनी अपनी डोमेन फाइंड करेगा, ठीक है, और मुझे शो करवा देगा। हम फिर एक एक्सेल की फाइल के अंदर सारे ऐड हो जाएंगे। तो 5 बंदे मिलके, एक में हो जाऊंगा, 4 और स्टूडेंट भी शक आ जाए, ठीक है, या 9 स्टूडेंट और आ जाए या 10 आ जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। तो गेस्ट पोस्टिंग का सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं हम, पीबीएन का सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। पीबीएन तो हर कोई नहीं बनाना चाहेगा, बट गेस्ट पोस्टिंग का जो काम है जो आप पूछ रहे हो, तो गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट किया जा सकता है। हर बैच में मैं ये जो है अपॉर्चुनिटी रखता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मिलके गेस्ट पोस्टिंग का काम कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तब, जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने करनी है, ठीक है। उससे ये होगा कि गेस्ट पोस्टिंग किस तरह से डोमेन फाइंड करते हैं उसकी, और उस पे आर्टिकल पब्लिश कैसे करते हैं, या ऑर्डर कैसे आते हैं, क्लाइंट के साथ क्या बात करनी है, वो सारा फिर आपको समझ आना शुरू हो जाता है। गेस्ट पोस्टिंग की कोई एग्जांपल सर? 100 से 150 डॉलर मिनिमम चाहिए होती है। मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं गेस्ट पोस्टिंग की साइट दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। मैं दिखाता हूँ लोगों साइड। जैसे कि ये एक साइट है, टॉप एयर फ्रायर रिव्यूज डॉट कॉम, ठीक है, एयर फ्रायर रिव्यूज के बारे में आर्टिकल जो है वो क्लाइंट ने दिया, वो पब्लिश कर दिया। अब आर्टिकल आप देखो, रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है, लिंक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि तो बाकी पेजेस काम नहीं कर रहे, ब्रोकन लिंक ना, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाए, उसमें भी ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए, इसमें ब्रोकन लिंक्स है सारे, ठीक है। पर एक आप लोगों को आइडिया देना था
साइट होती किस तरह से। आपने जो गेस्ट पोस्टिंग की और पीबीएम की तो साइट बनानी है वो रियल लुकिंग हो। रियल लुकिंग साइट में क्या क्या उसमें सोशल फाइल्स लिंक होती हैं, ठीक है। सॉरी आर्टिकल नेम और वेबसाइट डिसाइड है। एक नहीं देना अपनी साइटों को, तो लिंक देना है जो आपकी मनी साइटें होंगी उनको आपस में, तरह से जो पीपीएन की साइट है, जो गेस्ट पोस्टिंग की साइट होंगी उसमें लिंक नहीं देना, इसी उनको भी आपस में लिंक नहीं देना। ठीक है। आपकी जो गेस्ट पोस्टिंग की साइट हो या पीबीएन की साइट हो वो ऐसे हो जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ। प्रॉपर उस पर थीम लगाओ, नेविगेशन लोगो लगाओ, अब देखो कि इसमें फेसबुक के सोशल के आइकॉन्स हैं, टाइटल है, इमेज है, जो स्टैंड करना है। ये ना हो कि आप ये सोचो कि बस इस पर आर्टिकल हमने पब्लिश करना है अपनी साइट पे, तो उसको हम जो है नॉर्मल सा थीम लगा दें। ये भी इसने बिल्कुल नॉर्मल थीम लगाया हुआ है। थीम भी आपका कोई ना कोई पेड प्रीमियम इस तरह होगी कि क्रैक या नल्ड थीम ना हो, ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो वही आप उसी पे आपको ऑर्डर मिलेंगे जो जिस पे ऑर्डर आपने लेने हैं, उसमें ना आप सोशल प्रोफाइल्स लिंक कर रहे हो बना के, मतलब आपकी वेबसाइट जो है अच्छा उस पे एसएसएल सर्टिफिकेट भी जरूर इंस्टॉल हो हर साइट में। विदाउट एसएसएल आपकी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने फीचर जो है नज़र रखने हैं आपने। होप सो आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग एंड पीबीएन की प्रॉपर समझ आ गई होगी। बाकी का काम अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो करोगे अपने हाथ से ही। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा कि मैं भी एक डोमेन साथ आप लोगों के अटैच कर दूंगा, यानी कि ऐड कर दूंगा। पांच बंदे हम टोटल होते हैं, तो पांचों के पास हर हर वेबसाइट की डिटेल होंगी, ठीक है। तो वो डिटेल हम आपस में शेयर कर लेंगे, लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। तो जिसको भी ऑर्डर आएगा वो पांच साइट अपने क्लाइंट को दिखाएगा और उस पर ऑर्डर लेगा। जिसकी वेबसाइट होगी उसको $2 देने हैं, बाकी जितना भी ऊपर का आपका क्लाइंट के साथ तय हुआ वो आपका है, चाहे $50 हुआ, चाहे $100 हुआ, वट एवर जो भी हुआ वो आपका होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने समझना है बेसिकली। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
जब भी आपने अपना अपनी वेबसाइट आप कह लो कि वेबसाइट जो होती है उसको हम देखना होता है कि गूगल उसको हमारी वेबसाइट को किस तरह से ले रहा है, उसकी क्या विजिबिलिटी है। जब हमने इन चीज़ों को देखना है, मास्टर है उसका जो इन चीज़ों को देखना है, गूगल आपका होता है उसका जो इंटरेक्शन होता है, उस गूगल जो बताता है इश्यूज, वो सब वेब मास्टर टूल्स में बताता है किसी भी वेबसाइट के बारे में। जब हम अपनी वेबसाइट को लेके चल रहे होते हैं बेसिकली, तो हमने ये देखना होता है कि उसको साथ साथ ऑप्टिमाइज भी करना है। ये नहीं है कि हमने वेबसाइट एक दफ़ा बना दी उसके बाद उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, इस तरह नहीं करना। जो कीवर्ड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें उन कीवर्ड्स को हम ज़्यादा उस पर तवज्जो देना है, हमने इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को आज स्टार्ट करवाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ताकि आप लोगों के लिए जो आप वेबसाइट आप लोगों ने स्टार्ट की है उस वेबसाइट को समझना, एक वेबसाइट को रैंक करवाना, उसके बाद आपका जो जो एक हाथ है वो सीधा हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो जो स्टेप्स बताऊंगा, जो जो टॉपिक बताऊंगा, इसको आप लोगों ने जो है इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ ये वीडियो की हद तक नहीं देखना, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली रैंक कर सके। Just hold on. मैंने स्क्रीन को खुद पास किया। ई कॉमर्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा ये है जी एंकर टेस्ट।
दिखाने का मकसद ही फाइल बनानी है प्रॉपर, वेबसाइट की अलग अलग फाइल होगी, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, इस तरह, ठीक है। और उसमें आपने उस वेबसाइट के जो भी कीवर्ड्स हैं, ब्रांड एंकर है, नेट यूआरएल है, जेनेरिक एंकर है, इस एंकर टेक्स्ट के अगेंस्ट बनाए बैकलिंक यहाँ पर जो कौन सा इस तरह देखते जाना है कि कौन से किस डेट को बनाया, गेस्ट पोस्टिंग है या बैकलिंक है, क्या है, ठीक है। ये एंकर टेक्स्ट स्क्रीन क्लियर है, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये फाइल जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये जी गूगल वेब मास्टर टूल्स, और इसमें प्रोग्रेस पता चल रही होती है, परफॉर्मेंस पता चल रही, सर्च इंजन हमारे कितने हैं, जीरो एरर्स वाले कितने हैं, ठीक है। और अहमियत दे रहा है हमारी वेबसाइट को, उन्हीं कीवर्ड्स को हम फिर मजीद उन पेजेस को बेसिकली हम मजीद ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। 59 इंप्रेशन है लास्ट 3 मंथ्स में, 8 क्लिक हुए। इस वेबसाइट को मैंने सर्च इंजन के लिए तो नहीं ऑप्टिमाइज किया था, बट मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, 207 क्लिक्स मिले हैं लास्ट 3 मंथ्स में, 4,000 इंप्रेशन या 4,000 लोगों ने मेरी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में देखा है। ये कीवर्ड्स जो जिन पे मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, ये पेजेस, अच्छा यहाँ से कंट्री, यानी कि हमारी वेबसाइट जो है उसके कंप्लीट उसके उसका जो सर्च का डाटा है वो हमें वेब मास्टर टूल में पता चल रहा होता है। कंट्री वाइज देख लो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, यूके, यूएसए, इंडोनेशिया, इस तरह जो जैसा कंटेंट होगा वैसी कंट्रीज में ही वो शो होता है, ठीक है। जो साइट मैप आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, साइट मैप सबमिट करना है हमने इस ऑप्शन पे आके, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था। अगर आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे प्रॉपरली तो आप इसको पहले वाले को डिलीट करके दोबारा भी साइट मैप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पेज है लिंक्स का, जो भी बैक लिंक हम बनाते हैं बेसिकली, ठीक है, वो भैया हमारी वेबसाइट को जो लिंक मिलना चाहिए जिसको ज्यादा वो ये है,
नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोगों को बताऊंगा कि मैं मास्टर टूल्स को ऑफलाइन Thank you.